लेट। वाह, कितनी देर से काम कर रहा है? सफाई हो गई क्या? हाँ ग्रैनी, बस हो ही गई। तुझे तो पता है ना, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी आ रही है, तो घर एकदम चकाचक लगना चाहिए। डोंट वरी ग्रैनी, गणेश चतुर्थी पे घर एकदम चकाचक होगा। लेकिन आपको पता है ना, उसके दो दिन पहले क्या है? दो दिन पहले क्या है? उसके दो दिन पहले? Oh, no. अरे दो दिन पहले 29 अगस्त को मेरा बर्थडे है। हाँ याद आया, 29 अगस्त को तो तेरा बर्थडे है। खैर वो सब छोड़, चल खाने का टाइम हो गया है। रानी तो मेरे बर्थडे के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही। Oh, no. अरे खाना लिया हुआ है, बहुत जोरों की भूख लगी है। आ गई बाबू, चलो अब खाना शुरू करते हैं। वाह ग्रैनी, बहुत टेस्टी बना है, बहुत भूख लगी थी। सच में मजा ही आ गया खाकर। वैसे ग्रैनी, मेरे बर्थडे के लिए और गणेश चतुर्थी के लिए शॉपिंग करने कब जाएंगे? फालतू में खर्चा करने की क्या जरूरत है, इतने सारे कपड़े हैं तेरे पास, उनमें से ही कुछ पहन लगी हो। देखो तो जरा इस बुढ़ाओ को, मेरे बर्थडे के लिए इसको खर्चा नजर आ रहा है। वैसे झरझरी पुरपुरी का जब प्रोग्राम देखने जाता है तब कुछ नहीं। दो दो फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा। चल कोई नहीं, कल तुझे शॉपिंग पे ले जाऊंगी। हाँ हाँ पक्का, कल सुबह रेडी रहना। अरे वाह, कल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। भैया जी, हमको पता है कि आज आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपका 29 अगस्त को हैप्पी बर्थडे जो आ रहा है। क्या बात है। बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू चिल्लाया क्यों? कुछ भी तो नहीं ग्रैनी, मैं और मगरू भाई ने बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। क्या बिटवा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चल गुड नाइट, अब मैं सोने जा रही हूँ। आप आराम से जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके चलो मगरू भाई, चलता हूँ, कल शॉपिंग के लिए जाना है। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। कल हम मेरे बर्थडे की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कब सुबह होगी, कब हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे? ग्रैनी उठ जाए, पिटवा सो जा सो जा। ये ना समझ लड़का इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है, चलो जाकर देखते हैं। कुछ नहीं हुआ जानू, बस वो अपने बर्थडे के लिए बावला हुआ जा रहा है। चलो अब सो जाते हैं। मेरा नाम है होगी वोगी। अरे मैंने भोगी भोगी सुना था, लेकिन ये होगी भोगी क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का मजाक उड़ाने की? ज्यादा चालाकी करोगे तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। भोगी भोगी जी, प्लीज मुझे छोड़ दो, 29 अगस्त को मेरा बर्थडे है और आज मुझे शॉपिंग करने जाना था। आपने मुझे किडनैप कर लिया है, तो मैं शॉपिंग भी नहीं करने जा पाऊंगा। अपना बर्थडे कैसे मनाऊंगा? अब तुम अपना बर्थडे भूल ही जाओ, मैंने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। अब तुम्हें जो भी मनाना है इस जेल के अंदर ही मनाना। ओह नो। बेटवा, अरे ये कहाँ चला गया, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। ये तो अपने बर्थडे शॉपिंग के लिए कितना एक्साइटेड था, जाने के टाइम पे पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कहीं अकेले तो नहीं निकल गया शॉपिंग के लिए? बिटवा, ओ बिटवा, बिटवा कहीं बाथरूम में तो नहीं है? बिटवा जल्दी कर, शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। अरे जाना क्यों बुला रही हो? बेबी बाथरूम में तुम थे? हाँ, अंदर तो मैं हग रहा था। क्यों,
क्या बात है? तो फिर बिटवा कहाँ चला गया? कितनी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। अरे तुम क्या उसे ढूंढने लगी हो, वो कोई छोटा बच्चा है क्या? चुप कर बड़ो, तुम बिटवा को बाहर देख कर आओ, तब तक मैं अनुपमा देख लेती हूँ। अभी तो मैंने गेस्ट की लिस्ट भी नहीं बनाई थी, अपने बर्थडे पे क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग भी नहीं की थी। उससे पहले इस ओगी बोगी ने मुझे किडनैप कर लिया है। ओह नो, अब क्या होगा, मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगा? लेकिन मैं हूँ कहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये जगह देखी देखी लग रही है। क्या बात है लॉन्डे, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। हम हैं कहाँ पे? तुम अपना घर ही नहीं पहचानते क्या? तुम अपने घर में ही कह दो। हमारे घर पे चलाकी नहीं, ये मेरे तीखे दांत देख रहे हो ना, तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा, तो कीप साइलेंस। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी ग्रैनी को मेरी फिकर होगी। उसे तुम्हारी कोई फिकर नहीं है, वो तो मस्त बैठकर अनुपमा देख रही है। और ग्रैंडपा? बुढ़ऊ तो मस्त झरझरी पुरपुरी का प्रोग्राम देखने गया है, तुम्हारी किसी को नहीं पड़ी है, गलत फहमी में मत रहना। ओगी ओगी जी, जस्ट इमेजिन, आपके बर्थडे से पहले आपको कोई किडनैप कर लेता और आप अपना बर्थडे नहीं मना पाते, तो आपको कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। आ, इतनी सेंटी बातें करेगा तो तुझे खाने में मुझे ज्यादा देरी नहीं लगेगी। अरे कुछ तो रहम करो इस प्यार से, क्यों उसे बचे थे? अबे चुप, कहीं तेरी चिल्लाने की वजह से तेरी ग्रैनी नीचे ना जाए, अगर ज्यादा चलाकी की तो। अरे होगी वोगी जी, आप मुझे ट्रेन के एरिया में क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मैं तुझे ट्रेन से ही किडनैप करके यहाँ से ले जाने वाला हूँ। ओह नो, धीरे धीरे ट्रेन के सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढता हूँ और फिर यहाँ से रफू चक्कर। रुक जा होगी वोगी, अभी रोबो ब्रो की मदद से ग्रैनी ग्रैंडपा को यहाँ पर बुलाता हूँ। अच्छा बेटा, मुझसे चला की। साथ गेम करने के बारे में सोचना भी मत, वरना ऐसा ही हाल तेरी ग्रैनी और ग्रैंडपा का भी करूंगा, तो इसलिए नो चलाकी। बेटवा पता नहीं कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रही हूँ उसे, कहीं बिन बताए स्लेंडरीना के घर तो नहीं चला गया? फोन करके पूछ लेती हूँ उस गरम जली को। स्लेंडरीना दिस साइड बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दे बीप। चुप कर डोबी, पहले ये बता बेटवा तेरे घर आया कि नहीं? छोटुआ और मेरे घर नहीं तो? बेटवा घर पे है नहीं, तो मुझे लगा कहीं तेरे घर ना आया हो। जरूर वो घर छोड़कर चला गया होगा, बेचारे छुटवा के साथ तुम इतना बुरा बर्ताव जो करे हो। ये तो क्या बकवास कर रही है, मैं अपने बिटवा से बहुत प्यार करूँ हूँ, मैं उससे कोई बुरा बर्ताव ना करती। आहा, तुम्हारी पूरी पूरी जानती हूँ मैं, तुमसे तंग आकर बेचारा कहीं चला गया होगा। पता नहीं बिटवा कहाँ चला गया, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चला गया। काम करता, इसको थोड़ा सा डरा देता, क्या पता मुझे छोड़ दे। होगी वोगी जी, ओ बोलो क्या काम है? आपने मुझे हमारे घर में किडनैप करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे ग्रैनी कभी भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आती होगी, और ग्रैनी जब यहाँ पर आ गई तो उनके हाथों आपका बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आपको ग्रैनी का एक बार डंडा पड़ेगा ना, तो आपको दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे। सच में? पर वैसे आपने मुझे मेरे घर में किडनैप क्यों किया है? That's a good question. क्योंकि जब भी कोई गायब होता है तो घर वाले उसे बाहर ढूंढते हैं, घर पर कभी नहीं, क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है। अब तुम्हारी जब ग्रैनी ढूंढेगी तो वो तुम्हें बाहर ढूंढेगी, घर पर नहीं। अरे देखो तो जरा इसको, कितना तेज दिमाग है इसका। इसका मतलब मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। बिटवा अब तो अपना बर्थडे कैसे मनाएगा?
स्वीट हार्ट, आज बिटवा का बर्थडे है, लगता है हम दोनों ने इसका दिल दुखाया है, तभी वो घर छोड़ के चला गया है। मुझे बहुत याद आ रही है अपने बिटवा की, पता नहीं वो कहाँ होगा। हाँ जाना, तुम ठीक बोल रही हो, अनजाने में हमने उसका बहुत दिल दुखाया है। बाबू, आज बिटवा के बर्थडे पे हम ये गिफ्ट्स गरीब बच्चों में बांट कराते हैं। चलो निकलते हैं अब। स्वीटी, ये तुमने बहुत अच्छा प्लान किया है, चलो। जाते जाते बिटवा की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा देंगे थाने में। बुढ़ा और बुढ़िया बाहर जा रहे हैं, यही सही मौका है बिटवा को अपने साथ ले जाने का। हैप्पी बर्थडे बिटवा। थैंक यू हाँ होगी भूगी भाई, थैंक यू। चलो बर्थडे के दिन किसी ने तो मुझे विश किया। अरे आपने गेट खोल दिया, आप मुझे आजाद कर रहे हो क्या? नहीं, ये पकड़ो। ये किस लिए? तुम्हारे ग्रैनी ग्रैंडपा बाहर गए हैं, घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ अपने सामान पैक करने के लिए। जो चाहिए जल्दी से इसमें भर कर ले आओ। ग्रैनी ग्रैंडपा को पता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो भी वो बाहर गए हुए हैं। चल बेटा अपना सामान पैक कर ले, वैसे भी तेरी यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। Oh no! Time starts now! ये सुरंग, ये हमारे घर पर कैसे आई? इसमें जाकर छुप जाता हूँ, वोगी वोगी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये सुरंग यहां तक किसने बनाई? सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे बिटवा। आप सब यहाँ? तो बिटवा कैसा लगा अपुन का सरप्राइज? हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, इसके लिए हमने होगी वोगी की मदद ली। अगर तेरे सामने हम बर्थडे की प्लानिंग करते तो तेरे लिए क्या सरप्राइज रह जाता? इस चक्कर में तो आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। सॉरी बिटवा, थैंक यू वोगी वोगी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से ही ये सरप्राइज पार्टी हो पाई। सॉरी अगर मैंने अनजाने में तुम्हें परेशान किया हो तो। तभी आप इतने दिनों से ऐसे शो कर रहे थे जैसे आपको पड़ी नहीं है मेरा बर्थडे आ रहा है। ग्रैनी आप तो एकदम छुपी रुस्तम निकली। अबड़ो जल्दी केक काट, अपन को बहुत भूख लगी है। हाँ जल्दी करो गाइस, जल्दी से केक काटते हैं। बिटवा तेरी बर्थडे ड्रेस ऊपर रखी है, झटपट से तैयार होके आ जा, फिर केक काटते हैं। अभी आता हूँ। I'm ready, Granny. अलेले कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। Thank you. चलो गाइस अब केक काटते हैं। कैसे लगा बिटवा बर्थडे केक? यानी मुझे बिल्कुल ऐसा ही बर्थडे केक चाहिए था। Happy birthday to you. Happy birthday dear bitwa. Happy birthday to you. Thank you everyone for coming to my birthday party. चल अब विश मांग और उसके बाद कैंडल बुझा दे। वाह इतनी शानदार बर्थडे पार्टी तो मैंने आज तक ना देखी। बेस्ट बर्थडे पार्टी एवर। वाह मजा ही आ गया बर्थडे पार्टी में। ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट बर्थडे पार्टी थी। तेरी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ग्रैनी, थैंक यू ग्रैंडपा, लव यू टू बिटवा। ग्रैनी बिटवा की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। टैचू बिटवा को बर्थडे गिफ्ट दें इस वीडियो को लाइक करके और मोगमी चैनल को सब्सक्राइब करके। बिटवा को ढेर सारा आशीर्वाद दें और अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। लव यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।
Hi guys, I hope आपको बिटवा की बर्थडे पार्टी में आकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मिंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी की बर्थडे विशेज के लिए। लव यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मिंट।